ओ गोहाना मैं इबकी बार यो हर सिचकाना ल्याना से गरीब बाने बेटी का यो मान करे हमने रे इसको जिताना से इरे हरियाणे में भाई जगबीर का ब्याह थोड़ा रहा क्या यो गोहाना का जगबीर मिले अरे सरकारा भाई जनता की सेवा करे एक बात बता दे भाई साहब मैंने आप आमिर इंसान का अगवान है कि जनता से स्पेशल अपील है अगर दो रोटी खाकर ठंडे दिमाग से अगर हम शाम ने सोचा भगवान को साक्षी मान गए हम किसको वोट देने का अधिकार। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं गोहाना विधानसभा की एक ऐसी झलक आज सोशल मीडिया पे हर जगह हरस चिकारा दिखाई देगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आज नामांकन करण जा रहा है हर चिकारा और ये कंबाइन खड़ी है पीछे आप देखेंगे मैंने पहले भी दिखाई थी आपको कंबाइन खड़ी है यहाँ पर इस पर जो है चढ़ करके नामांकन दर्ज करने जाएंगे हरस चिकारा। फिलहाल उसके ऑफिस में हूँ और ऑफिस जो है क्या बोलता है क्या कुछ माहौल है वो आप देख करके अंदाज़ा लगा के होंगे कि भाई आवाज़ किस तरह की है। तमाम लोग यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरा ही गोहाना विधानसभा का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और एक ये अनोखी तस्वीर है पूरे हरियाणा की अगर मैं बात कहूँ क्योंकि यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ना और वो भी यहाँ पर गोहाना से एक बहुत बड़ी चुनौती हो सके। और भाई साहब वहाँ पर खड़े हैं कुछ भाई साहब कहाँ से आए भाई साहब हम गोहाना से ही हैं युवा की धड़कन है हमारा रसभाई भाई छत्तीस बरादरी का साथ देने वाला भाई है भाई सबको साथ लेकर चलने वाला भाई है हर्ष भाई पर का कोई नेता नहीं आया भाई धरती पर पहली बार ऐसा इतिहास रचा जाएगा सबसे ज़्यादा जीत वोटों से जीत के हर्ष भाई निकलेगा हरियाणा में। अच्छा जी हाँ जी भाई साहब तो बिल्कुल और बहुत सारे मतलब इतने सारे युवा आए हुए हैं तो कुछ और से बातचीत आप कहाँ से आए हो भाई खानपुर से आए हो खानपुर भाई एक बहुत बड़ा गाँव है गाँव खानपुर से काफ़ी आए हैं। अच्छा क्या लगता है अब की बार चुनाव जो है हरस चिकारा जीतेंगे या जगबीर मलिक वोटों से जीतेंगे एक लाख वोटों से जीत होगी। अच्छा जी हाँ एक लाख तो जब कह रहे थे कांग्रेस से टिकट मिलेगी नहीं 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 एक लाख वोटों से जीत होगी। अच्छा जी दोनों बूढ़े घोड़े हैं भाई हर्ष भाई तो भाई नारा है भाई है भाई ये हरस चिकारा का जलवा देख सकते हैं आप ये हरस चिकारा का जलवा ये इस तस्वीरों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि हरस चिकारा का माहौल क्या है। ये देखिए हरस चिकारा भाई इस तरफ कुर्सियां भी तोड़ फोड़ पूरा दफ्तर जो है भरिया पड़ा है हरस चिकारा जो है हटिए हटिए कंबाइन में बैठ करके और डीजो के साथ ये काफिला चलेगा। ये देखिए हरस चिकारा की ये तस्वीरें ऐतिहासिक पल जो कि कह रहे हैं कि आज जो है यहाँ से जीत का ऐलान होगा और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसके माध्यम से क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पर जो ये जनसैलाब है ये कहीं ना कहीं जीत का है। ये देखिए आप इस तरफ क्या आप ये तस्वीरें देखें बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर आए हुए हैं नौजवान और इस कंबाइन में जो है देखिए इस कंबाइन में चढ़ के जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे अपनी यात्राएं। आप कहाँ से आए जी हाँ जी ओला आईडी से हैं ओला आईडी सोनीपत से ओला आईडी गोहाना विधानसभा से हाँ जी हाँ जी हाँ जी अजय बताओ जीत हो जाएगी सर शिकारा की पक्का 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 तन मन और धन से साथ हैं मुकारे जगबीर मलिक भी एक तोप है जगबीर मलिक तो जीती 30 साल हो गए पक्की चक्कर आ गई भाई चक्कर आ जिंदाबाद अरे शिकारा निकाल लेंगे सीटियां जिंदाबाद कति तय दिल से आराम से निकाल देगा भाई पक्की बात है पक्की पानीपत शिवा से पानीपत से भी आ रहे हैं हाँ भाई पूरे हरियाणा से वैसे भाई यहाँ पर आए हुए हैं हरस चिकारा के स्पोर्ट में और इस भाई से और पता करें भाई साहब कहाँ से आए हो
भाई राम दो बार आए हैं, बाकी हरियाणवी सिंगर हैं, भाई का दिल से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप हरियाणवी सिंगर हो? जी भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हो, गाने गाते हो? हाँ जी, हरियाणवी गाने गाते हैं। बाकी भाई ने बहुत काम कर रखे हैं, भाई को दिल से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, मेरी पूरी फैमिली हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ थी पिछले 5-6 सालों से, यानी कि जो पिछले 5 प्लान से जगबीर मलिक बनते आ रहे हैं, और अब जो है हर्ष शिकारा भाई जो उठे हैं, हर्ष शिकारा भाई को दिल से सपोर्ट करने के लिए मेरी पूरी फैमिली आके आई। कह रहे भी हर्ष भाई तो कांग्रेस का टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने दिया ही नहीं हुड्डा साहब। कोई बात नहीं, हुड्डा साहब की वो मर्जी थी भाई, किसको टिकट देना किसको नहीं देना। बाकी ये है कि हम हर्ष शिकारा भाई ने बहुत काम किए, गरीब बेटियों का कन्यादान किया, और भी बहुत से काम किए। मैं अगर काम गिनवाने लगे तो कोई बात शाम हो जाएगी सुबह से, लेकिन भाई को दिल से सपोर्ट करती है, हमारा पूरा गांव दिल से सपोर्ट करता है। अच्छा, आप चलने मेरे ख्याल में थोड़ा दिक्कत है आपको, तो फिर भी आप आए हो यार? बिल्कुल भाई, भाई जहाँ पे खड़े हम वहाँ पे पहुँचना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि भाई को सपोर्ट करना ही हमारा कर्तव्य है। जब भाई इतना कर रहा है अपने बहन बेटियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, तो हमारा फर्ज है कि हमने भी थोड़ा उसका साथ निभाना ज़रूरी है। अच्छा, गोहाना की जनता देगी अब की बार उसका साथ, या फिर वो जगबीर मलिक वाली बात हो जाएगी, दबंग विधायक है वो भी एक यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, मानने की बात है, दबंग विधायक है, लगातार 6 बारी जीत चुके हैं, लेकिन अब की बार जो कि हर्ष भाई गोहाना की टिकट निकाल लेंगे 100%। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये हमें पूरा यकीन है। तो हर्ष शिकारा के लिए कोई गाना गुना बनाया आपने? हाँ जी, गाना बनाया, लेकिन अभी वो मिक्सिंग पर चल रहा है, वो मैं निकाल के नहीं ले पाया, क्योंकि मैं करनाला जा रहा था, मेरे को पता लगा कि भाई हर्ष भाई आज फार्म भरने जा रहे हैं, तो वहाँ से रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं आदम आ गया। कोई सुना दो लाइन। ओ गोहाना मैं इबकी बार यो हरस चिकाना ल्याणा से, गरीब बाणे बेटी का यो मान करे हमने रे इसको जिताना से, इरे हरियाणे में नाम चाल रहा हरस चिकारा का, ओ गरीबा का साथी से उर यार से यो रे यारा का। बड़े बढ़िया भाई, आगे भी है? हाँ आगे भी है, लिरिक्स हालांकि कॉपी में लिखे हुए हैं, वो फिलहाल प्रॉपरली याद नहीं तो पूरा गाना सुनाते हैं हर्ष भाई के ऊपर, और बहुत ही अच्छा बालक है जिन्हें कहा अगर है आज कहना है, या तो हर्ष शिकारा है या फिर नाम सुना था रविंद्र माचरोली, वो भी बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, रविंद्र माचरोली का नाम सुना है? हाँ, पहले रविंद्र माचरोली का सुना था, क्योंकि वो भी भाई बस बस लगा रहा किसी खान पर थी फरीब सेवा में, और भी हाँ तो भाई वो भी बढ़िया बालक है भाई, बुराई हम देवेंद्र कादियान की भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हर्ष शिकारा जो काम करे हैं आज तक किसी ने नहीं करे। देवेंद्र कादियान को भी नहीं टिकट दिया? हाँ, जो बढ़िया बढ़िया उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया नहीं, पुराने खलीफा को टिकट दे रहे हैं, तो वो ये बात है बूढ़े शेर हैं, बूढ़े रह जाएंगे, क्योंकि अब की बार नौजवान जितनी भी जनसंख्या हमारे साथी नौजवान है सारे हर्ष भाई के साथ में, गोहाना से और गन्नौर विधानसभा से जो है जो देवेंद्र के साथ हैं। युवा तो वे भी थे, बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा भाई, उनकी हम कह नहीं सकते, बाकी जिस एरिया में हम रहते हैं ना भाई, उस एरिया के बारे में हमने नॉलेज है, तो नौजवान जो हमारे हैं हर्ष भाई के साथ गोहाना से, हमारे पूरे गाँव से नौजवान साथी हैं, ये हमारे गाँव से आए हुए हैं बड़क, ये भाई हमारे विजय मलिक जी, ये भी हर्ष भाई के स्पोर्ट में आए हैं, अपना काम धंधा छोड़ कर, हालांकि गाड़ियों के मैकेनिक हैं, गैराज है खुद का, काम छोड़ करके भाई हर्ष की स्पोर्ट में आए। ये भाई साहब ये? हाँ जी हाँ जी। आयो भाई साहब, इधर कहाँ से आए? भाई दो दुआ गाँव से, गोहाना में आते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, क्यों आए आज यहाँ पे? भाई हर्ष शिकारा ने सपोर्ट करने आए भाई। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है भाई हर्ष शिकारा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? भाई हर्ष शिकारा 100% जीतागा, हर्ष शिकारा भाई समाज सेवी है, और जनता के खातर बहुत कुछ पहले कर रखा है, जो नेता करण वाले है वो काम दो हर्ष शिकारा भाई ने बनने पहले कर दिए। एक तो क्या अगर करूँगा हर्ष शिकारा भाई ने करके दिखा रखा पहले, और आगे भी काम करेगा, तो हम जनता गोहाना की जनता देख के भाई वो बेटा मारा है, भाई मारा है, तो इसने दिल से सपोर्ट करो और भाई ने जिता के लियाओ, क्योंकि इसने आज तक जो काम करे हैं आज तक गोहाना में किसी ने नहीं करे, गरीब बाण बेटी का मान सम्मान करया, कन्यादान करे, गरीब परिवार में आ जाओ भाई, उतरा जाओ। आप भी आए थे? कहाँ से आए हो? आ जाओ भाई साहब, बीदल तो आए हैं। बीदल से? बीदल पिनाना, बीदल से, बीदल बीदल पिनाना के और वाले गाँव से और वाले। अच्छा।
किसान मित्र मंडली जो भाई हरे सिकारा ने बनाई रही अपनी ग्योर वाली भाई और सारा भी दलगाओ पूरा समाज भाई हरे सिकारा की गेला है। इब जो कैंडिडेट सरकार ने इसे तार दिया आप भी देखो भाई साहब बिल्कुल जगबीर ने ला लो सन जब जगबीर सन 1997 से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल पाटिल हुए तब तो यो समाज यो हल्का यो जगबीर मलिक की गेला है। फिर को काम करवाने चले जा दो आदमी छाटा है काम गेला चार आदमी फलाने बला गेला रेलवे स्टेशन पर जब झंडे ठाए अंडे यो हल्का यो समाज है। जब जगबीर ने उन्हें कहता काम गेला फलाने आदमी बला गेला सोचो ना आप यह भी तब भाई जगबीर का ब्याह थोड़ा रहा क्या योग अनाल का जगबीर मलिक का मैंने इंटरव्यू किया था देखा आपने मैं वो कह रहे की बार बहुत जोश है मेरे अंदर बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं भाई साहब यो तो आने वाला 5 तारीख को जनता बता देगी जगबीर को देश है वो डागी छवी बाज भाई जगबीर जीतता है जगबीर ना खाली इलेक्शन लड़ा दे जब मेंबर भी बन जाता है हम सारी उम्र जगबीर की गुलामी करेंगे। हाँ तो हरस भाई भी कह रहे थे कि टिकट लेके आओ कांग्रेस का लेकिन उड्डा साहब ने टिकट क्यों नहीं दिया इनको भाई साहब ये तो उड्डा साहब जाने हैं ऊपर लाई कमान जाने हैं गरीब का बालक है किसान का बालक है ऐसे करा आज तक ये जो राजनेता घराने हैं ना ये नू सोचे है गरीब के बालक ना आगे ना आने दे आगे ना बने दे आगे ना बटन दे उड़े फ्लैट ले ले पड़े दिल्ली में दिन रात उनकी जी अजूरी करे भाई अरे सरकार भाई जनता की सेवा करे। एक बात बता दे भाई साहब मैंने आप हमने ना जगबीर द कुछ लेना ना कांग्रेस तो लेना ना बीजेपी तो लेना ना भाई रस्ता लेना दो रोटी और इंसान खा गवाने की जनता से स्पेशल अपील है अगर दो रोटी खाकर ठंडे दिमाग से अगर हम शाम ने सोचा भगवान को साक्षी मान गए हम किसको वोट देने का अधिकार है क्योंकि जिस परिवार के साथ कोई रहता है नहीं जिसकी आज सब टूट जाए उड़े भाई अरस्कार कृष्ण के रूप में जा खड़ा या छोटी बात है यह बतेरी बात है भाई राजनेता मंत्री वो गए हाथ तक किसी गरीब के दर पर सही कह रहे भाई बिल्कुल आप राइट बात हमने ये सिर्फ यह बात इसकी समझ माए अरस्कार की रही है तन मन तन तब भाई की गेला है भाई गरीब गेला खड़ा है कति भाई से कुछ नहीं लड़ना कति कोई निजी सवाल भी भाई भी नहीं सोचे बहुत सारे लोग है वैसे बता देता हूँ लोगों के मन की कि भाई अरस्कार समाज सेवा इसलिए कर देगी ना एमएलए बनना था भाई साहब ऐसा कोई बात नहीं है इब एक आप अपना लो सेवा में चल पड़ा भाई इब जब यो घर तक बाहर लिखा है कितनी कितनी मदद आ जाए एक दिन में तुम भी समझो और भाई की तो इसने पावर था आजाद है इब तो भाई ने 1012 से लड़की ब्याह है फिर 10,000 भी ब्यास का है पावर तो होनी चाहिए कलम में पावर होनी आज के टाइम में बहुत जरूरी है ना कोई किसे नहीं बूझता बुजुर्ग ने नौजवान साथियों ने मारे पर भाई ने कह दी भाई अपनी सरकार में थोड़ा हिस्सा बना और याद उड्डा साहब ने सोचना चाहिए सर्वे में भी भाई साहब सब ताक गए हैं अगर हर सरकार तो टक्कर देते पूरे हरियाणा में इससे बड़ी जीत हो ही नहीं है एक तरफा इलेक्शन था कति एक तरफा जब सर्वे में आ गया तो उसको मलिक को क्यों दिया भाई साहब ये तो भाई पता नहीं आई कमान जाना ऊपर से जाना क्यों कर टिकट दी यो जगबीर क्यों कर लिया है और एक और बता दो आपने मेन बात है जो ये कांग्रेसी है ना जो कांग्रेस से बेचारे 30-30 साल हो गए जो सरकार में लाग रहे ये जगबीर ना रहोगे और नून तो बीजेपी वाले जो अरविंद शर्मा विरोध दिखता रहा था कंसारे गांव में अरविंद शर्मा जो चपाड़ गया जब बोलन ला गया बोलन भी नहीं दिया था ट्रैक्टर बजा दिए रे बड़कन है अरे वो हार गा रहे थे तार दिया को तरीका थोड़ा है बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले तड़े तड़े सारे अरे सकारा गिरवाओगे और ज्यादा अरे सकारा जीतेगा कांग्रेस की वोट तो डिवाइड हो जाएगी अरस्कार पर जगबीर मलिक पर बीजेपी वाला जीत जाएगा भाई साहब बीजेपी वाला आज बीजेपी वाला इनको कैंडिडेट ना दिखाएगा वो ही मारा है तुरंत का हारा और हरा रहे लाके तार दिया अरविंद शर्मा दे की तो चपाड़ा में भी प्रोग्राम ना करता मरे भाई बैठका में जाओ है उड़े चार आदमी इकट्ठे करे और अपनी बात बताया और क्या करे है। अच्छा जी हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया लगे कहाँ से आप बीतलता हूँ धर्मपाल हूँ और किसान मित्र मंडली जो गेहर वाले भाई है वहाँ रहस्यकारा ने बनाई दी और इतने जीवेंगे रहस्यकारा के साथ रहेंगे चाहे धरती आर पार नून हो जाओ क्या बात है बड़ी बात कह दी भाई चलो आप भी कमेंट करके जरूर बताना गोहाना विधानसभा से अब की बार किसका झंडा लहराएगा